गाइस, आज मैं आपको ये रोज़ फ्लावर बनाना बता रही हूँ। देखिए, ये रोज़ फ्लावर बनकर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये हम क्रोशिया से बनाएंगे। और देखिए बच्चों के स्वेटर, टोपी या कार्डिगन वगैरह में भी लगा सकते हैं। देखिए, एक में मैंने ये मोती लगाया है, एक ये विदाउट मोती है। और ये किस तरह से बनाते हैं तो गाइस मैं आपको बता रही हूँ, आप ये फ्लावर ज़रूर बनाएं। तो हम ये बनाना आपको बताते हैं। देखिए, इसके लिए हम पहले लेते हैं ये ऊन है, पतली ऊन लेते हैं हम इसको। और देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, पहले एक छोटा सा छल्ला तो हम हाथ से भी कर सकते हैं, चाहे क्रोशिया से डाल लें। ये देखिए, ये छोटा सा एक फंदा डालेंगे इसमें। ये देखिए, हम एक फंदा डाल रहे हैं। इसी फंदे में से हम चैन स्टिच करके एक चैन सी बना लेंगे 40 फंदों की। इसको देख लेंगे कि ये हमारे 40 फंदों की ही बनी है या कितने फंदों की बनी है। ये इस तरह से हम बनाते जाते हैं। अब हमने ये 40 फंदों की एक चैन बना ली है और आप इसको काउंट कर लेना कि कितने फंदे हैं इसमें। ये गाइस, ये हमारी 40 फंदों की चैन कंप्लीट हो गई है। अब देखिए हम इसमें कैसे बुनते हैं। देखें, पहले हमने क्रोशिया के ऊपर से फंदा लिया, फिर हम एक फंदा छोड़ करके दूसरे फंदे में से इसको बुनेंगे। देखिए, ये हमने एक फंदा छोड़ करके दूसरे फंदे में से हमने इसको धागे को लिया। ये देखिए गाइस, ये हमने इसके फंदे को लिया, फिर हमने इसको एक बार बुना। देखिए, एक बार बुना, फिर इसको हमने दूसरी बार बुना, फिर हमने तीसरी बार इन दोनों फंदों को साथ में ले लिया। ये देखिए, इसी तरह से हम इसी फंदे में से चार बार बुनेंगे। एक बार ये देखिए, एक बार लिया, फिर इसको एक बार बुना, फिर हमने इसको दूसरी बार में इसको दोनों को उतारा, फिर तीसरी बार में इन दोनों को उतारा। फिर ये देखिए, इसी फंदे में से एक बार फिर बुनेंगे हम। ये देखिए, एक बार फिर बुना, एक बार निकाला, फिर हमने ये दूसरी बार दोनों फंदे को निकाला, फिर हमने ये तीसरी बार में ये दोनों फंदे निकाल लिए। देखिए, हमारा ये एक पत्ती का डिजाइन बन गया है। और अब हम इसमें एक फंदा लेंगे गाइस, फिर हम इसमें एक फंदा छोड़ कर देखिए दूसरे फंदे में से हम इस बुनाई को करेंगे। और इसको हम डायरेक्ट ही निकाल देते हैं एक ही फंदे में से, जब हम इसको नीचे करते हैं। देखिए, एक फंदे में से हमने इसको निकाल दिया। अब हम इसमें बुनेंगे, तीन बार बुनेंगे, एक बार बुना, दो बार बुना, तीन बार बुना। अब हम जो है इसके ऊपर धागा लेंगे। क्रोशिया के ऊपर धागा लिया, फिर हमने इसको इसमें डाला। देखिए गाइस, ये इस तरह से, फिर हमने इसको इस तरह से बुना। दो बार हमने ये निकाल लिया, तीसरी बार में ये दो फंदे निकालेंगे। ये इस तरह से ही फिर एक बार बुनेंगे। ये देखिए, फिर इसको इस तरह से लेंगे। ये देखिए गाइस, ये इस तरह से लिया जाएगा और ये दो फंदे एक साथ ले लेंगे। फिर हम इसमें से लेंगे, इसी में से हमें चौथी लाइन निकाल रहे हैं। फिर हमने इसको एक बार बुना, फिर हमने ये दो बार में इस फंदे को निकाल लिया और हमने तीसरी बार में इस फंदे को निकाल लिया। देखिए, हमारी ये दूसरी पत्ती कंप्लीट हो गई है। फिर हम इस फंदे में से एक फंदा लेंगे और इसको हम इसी फंदे में से, नीचे वाले फंदे में से चार बार इसको बुनना होता है। हमने ये धागा ऊपर किया और इसी में से हमने इसको बुन दिया। देखिए, ये इस तरह से
ये हमने एक बार, फिर ये तीसरी बार में इसमें से ले लिया। इस तरह से ये हम फूल की पत्तियों को एक ही में से, एक ही फंदे में से इस तरह से लेते जाएंगे। ये देखिए, और ये हमारी चार लड़ी की पत्ती एक तैयार हो जाती है। ये हमने एक फंदा छोड़ करके इसमें से एक फंदा लिया, ये इसमें से हमने तीन बार हम इस ये हमने फंदा लिया है। इसको हम सिंपली निकाल लेते हैं। इसमें तीन बार हम बुनते हैं और डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। पीछे मोड़कर एक फंदे को, एक ही फंदे में से हमें चार बार बुनाई को लेना होता है। ये हम चार बार ले लेंगे और हमारी फूल की एक पत्ती तैयार हो जाती है। और बना लेते हैं, दो पत्तियाँ बन जाएंगी इसमें, ये और बना लेते हैं। ये देखिए, हमारी सबसे लास्ट वाली पत्ती बन रही है। ये देखिए, अब ये हमारी चार लट की एक पत्ती, मतलब चार बार बुनकर हमने एक पत्ती कंप्लीट कर ली है। एक, दो, तीन, चार। ये देखिए, अब हम इसमें ये जो हमारा धागा बचा है इसको हम इसमें ले लेते हैं और इसको टाइट करके बांध देते हैं। ये देखिए, ये हमने इसको बांध दिया है और हम सुई की सहायता से हम इसको थोड़ा सा नीचे से सिल लेंगे। ये देखिए, ये हमारी जो चैन थी इसमें हमने ये इतनी पत्तियाँ बना ली हैं, 40 फंदों की चैन थी। देखिए गाइस, अब हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे और इसको मोड़ते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हम रख कर इसको पीछे से हल्के हाथ से ये मोड़ते जाएंगे। ये देखिए, और ये इस तरह से मोड़ते जाएंगे हम, और देखिए ये हम इस तरह से कर लेंगे। और ये इसमें हम सुई डालेंगे और ये हमारा रोज़ फ्लावर इस तरह से बन जाएगा। और देखिए गाइस, हमने इस ये पीछे का सिरा है हमारे फ्लावर का, हमने इसमें ये सुई डाल ली है। ये जो थोड़ी सी ऊन हमारी ये बची है इसको हम सिलाई में ही कंप्लीट करते जाएंगे। देखिए, हल्के हाथ से हम इनको सिल लेंगे, ये नीचे से सिलना शुरू करेंगे और इसको हम बुनाई में ले लेंगे, इसमें सुई में लेते जाएंगे। एक दो टांके और लगा लेते हैं। देखिए, ये जो हमारा धागा था वो भी इसी में, देखिए ये हमारा फ्लावर बनकर तैयार हो गया है। देखिएगा, ये इस तरह का रोज़ फ्लावर तैयार कर सकते हैं गाइस, और इसी तरह से आप भी इसे तैयार कर सकते हैं। देखिए गाइस, ये हमारा रोज़ फ्लावर बनकर कंप्लीट है। इसी तरह से आप भी ये बना सकते हैं क्रोशिया से, और देखिए बच्चों की टोपी में या कार्डिगन में बहुत अच्छा लगता है। देखिए, ये बनकर बहुत अच्छा लग रहा है, ये इस तरह से बन गया है गाइस। देखिए गाइस, एक ये मैंने बनाया है, ये फ्लावर, इसमें मैंने मोती टांग दिया है। ये इस तरह से दो फ्लावर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और इसी तरह से आप भी अपने बच्चों के स्वेटर या कार्डिगन वगैरह में इस तरह के फूल बनाकर लगा सकते हैं, या क्रोशिया का कोई भी वर्क या कुछ भी करना है तो उसमें भी आप इस तरह के फ्लावर बनाकर डिजाइन कर सकते हैं। तो आपको ये फ्लावर कैसे लगे आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।